हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर जो भोजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन के ऊपर और शुरू करते हैं आज के क्लास को। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करते हुए देखा गया है, इसलिए बेहद ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। दो टाइप का क्वेश्चन भोजन वाले में पूछा जाता है, ये आपका पहला टाइप है, ध्यान से देखिएगा। बोला है सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। अब आगे बोला है कि 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए, तो अब यह खाना कितने दिनों तक चलेगा। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम लोग बनाएंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले कुछ बेसिक चीज़ आप अलग से समझिए। जैसे अगर हम आपसे कहे, है ना, अगर आपसे हम कहे कि 15 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का खाना है ना, 15 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का खाना है, 30 दिन का खाना, तो खाना की यानी कि भोजन की कुल मात्रा कितना होगा, तो भोजन का कुल मात्रा हो जाएगा 15 × 30। व्यक्तियों की संख्या में जितने दिनों का भोजन है उससे गुणा करिएगा, तो इससे क्या निकलेगा, भोजन की कुल मात्रा। 15 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो 15 × 30 कुल भोजन का मात्रा हो जाएगा। 10 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन है, तो भोजन का कुल मात्रा 10 × 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आपसे यह पूछा जाए कि यह भोजन 5 व्यक्तियों के लिए कितना दिन तक चलेगा, तो बट्टा में हम क्या लिखेंगे, 5। इस व्यक्ति को, इस भोजन को जितने व्यक्तियों से करवानी हो उससे हम करेंगे भाग। हमसे यह पूछा जाए कि यह भोजन 5 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो बट्टा में 5। यह भोजन 50 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, बट्टा में 50। यानी भोजन को जितने पर्सन से करवानी हो उससे करेंगे भाग। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर बोला जाए कि किसी परिवार में कुल 18 व्यक्ति है और 18 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन है, यानी कुल भोजन का मात्रा कितना होगा, 18 × 50। अब अगर आगे बोला जाए कि इस भोजन को 40 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो बट्टा में क्या लिखेंगे हम, बट्टा में हम लिखेंगे 40। भोजन की मात्रा ऊपर, भोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, व्यक्तियों की संख्या गुणे जितने दिनों तक वह भोजन करेगा, इससे भोजन की मात्रा निकलेगा। और इस भोजन को जितने व्यक्ति से करवानी होगी उससे हम करेंगे भाग, इससे यह निकलेगा कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा। एक चीज़ आपको और यहाँ पर समझना यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर बोला गया है कि 15 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन, ठीक है, 15 व्यक्तियों के लिए कितना दिन का भोजन है, 30 दिन का भोजन। अब आगे बोला जाए कि 10 दिनों के बाद, ठीक है, कितना दिन बाद, 10 दिन के बाद। अब 10 दिन के बाद जरा सोचिए कि क्या भोजन बचेगा, 10 दिनों के बाद भोजन कितना शेष बचेगा सोचिए। अभी भोजन कितने दिनों तक के लिए है, 30 दिनों के लिए। 15 व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिनों तक का है, 30 दिनों तक का। अब इसको आप ऐसे मानिए कि आपके पूरे परिवार के लिए ना एक महीने का यानी कि 30 दिन का राशन है। अब अगर हम आपसे कहें कि 10 दिनों के बाद कितने दिनों का राशन बचेगा, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर 30 दिन का भोजन है, तो 10 दिन के बाद 10 दिन कम का भोजन बचेगा, यानी 20 दिन का ही भोजन बचेगा। राशन पूरे 30 दिन का था, तो क्या 10 दिन के बाद भी 30 दिन का राशन होगा, नहीं सर, 10 दिन तो भोजन हमने कर लिया, तो अब राशन बचेगा मात्र 20 दिनों का। तो वही चीज़ है, 15 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन जरूर है, लेकिन 10 दिन के बाद बोला जाए तो अब इन 15 व्यक्तियों के लिए ना मात्र 20 दिन का भोजन होगा, तो अब भोजन का कुल मात्रा क्या होगा, 15 × 20। 30 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद मात्र 20 दिन का भोजन बचेगा। अगर हम आपसे कहें 5 दिन के बाद, तो 15 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन है, 5 दिन के बाद यानी 5 दिन तक सबने भोजन किया, तो अब 5 दिन के बाद 30 दिन का भोजन था, तो 5 दिन कम का भोजन बचेगा, यानी कितने दिन का भोजन बचेगा, 25 दिन का। तो 15 व्यक्तियों के लिए 25 दिन का भोजन है, यानी भोजन का कुल मात्रा 15 × 25। बस इसी के बेसिस पर हम लोग अपने सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें टोटल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले टाइप वन को देखिए, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन, 420 सेना के 420 जवान के लिए भोजन कितना दिन का था, 35 दिन का, तो भोजन का कुल मात्रा 420 × 35 होगा। अब आगे देखिए क्या बोला है कि 5 दिनों के बाद, अब जरा सोचिए आप
कि 5 दिनों के बाद क्या अब भी 35 दिन का भोजन बचेगा? नहीं सर, अब 35 दिन का भोजन नहीं बचेगा। 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन जरूर था, लेकिन 5 दिन के बाद अब मात्र 30 दिन का भोजन बचेगा, यानी भोजन का कुल मात्रा अब होगा 420 × 30। पहले 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन था, यानी कुल भोजन का मात्रा इतना था, लेकिन 5 दिन के बाद तो 30 दिन का ही भोजन बचेगा ना। 35 दिन में से 5 दिन भोजन हो चुका है, तो अब 30 दिन का ही भोजन बचेगा, यानी भोजन का कुल मात्रा 420 × 30 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है। अब बोला है कि 210 जवान और आ गए, तो 420 व्यक्ति पहले से था, 210 व्यक्ति और आ जाएगा, तो कुल कितना व्यक्ति हो जाएगा? 630। तो अब यह खाना कितने दिनों तक चलेगा? मतलब 420 व्यक्ति के लिए जो 30 दिन का भोजन बचा हुआ था, अब अगर 630 व्यक्ति इस भोजन को करे, 210 व्यक्ति और आ जाए, यानी पहले वाला व्यक्ति तो रहेगा ही 420 व्यक्ति, इसके साथ 210 व्यक्ति और आ जाए, यानी कि इस भोजन को जो 30 दिन का बचा हुआ था 630 व्यक्ति करे, तो अब यह खाना कितने दिनों तक चलेगा? तो जितने व्यक्ति से भोजन करवानी हो उससे भाग करेंगे, जो भोजन का मात्रा होगा उसमें। सॉल्व करिए, अगर आप इसको काटते हैं तो 30 से काटिएगा, यहाँ पे आपका 21 हो जाएगा, 0 से 0, 3 से काटिएगा 21, और 21 दुना 42, 20, यानी कि अब जो यह भोजन है वह कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? 20 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। ओके, चलिए आराम से बहुत ही सुकून से चीज़ों को सीखते हुए आप आगे बढ़िए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। किसी किले में 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन। चलिए अच्छी बात है, 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन, तो कुल भोजन का मात्रा बताइए क्या होगा? 200 × 15 होगा, भोजन का मात्रा तो यही होगा 200 × 15। अब बोला है 4 दिन के बाद, तो 15 दिन का भोजन था, लेकिन 4 दिन के बाद अब कितने दिन का भोजन बचेगा? सर, 4 दिन के बाद अब भोजन मात्र 11 दिन का बचेगा, यानी भोजन का कुल मात्रा कितना होगा? 200 × 11। 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन, यानी भोजन का कुल मात्रा पहले 200 × 15 था, लेकिन 4 दिनों के बाद अब तो 15 दिन का भोजन नहीं है ना, अब तो मात्र 11 दिन का भोजन है, यानी भोजन का कुल मात्रा 200 × 11। अब क्वेश्चन में आइए देखिए क्या बोला है। बोला है 4 दिन के पश्चात भोजन तो यही बचेगा, 50 व्यक्ति ने किला छोड़ दिया, तो पहले कितना व्यक्ति था? 200 व्यक्ति, 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया, अब कितना व्यक्ति बचा? 150। तो शेष व्यक्ति के लिए यह भोजन कितना दिन चलेगा? यह जो भोजन है वह शेष व्यक्ति के लिए, तो शेष व्यक्ति कितना बचा हुआ है? 150। तो यह भोजन 150 व्यक्ति के लिए कितने दिनों तक चलेगा? तो इस भोजन में हम 150 से भाग करेंगे, भोजन की कुल मात्रा में जितने व्यक्तियों से यह भोजन करवानी है उससे भाग करेंगे, इससे निकलेगा यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब सोल्व करिए, 50 से काटिएगा तो 50 दिया 150, 50 से काटिएगा 50 चौके 100 हो जाएगा, 4 × 11 यानी 44, नीचे में 3, 44/3 दिनों तक यह भोजन आपका चलेगा शेष व्यक्तियों के लिए। ठीक है, शेष व्यक्ति कितना बचा है? शेष व्यक्ति आपका 150 बचा है, क्योंकि कुल व्यक्तियों का संख्या आपका 200 था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था। 200 सैनिक के लिए 31 दिन, तो भोजन का कुल मात्रा क्या होगा? 200 × 31 होगा। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था, तो भोजन का कुल मात्रा 200 × 31। अब आगे 27 दिन के बाद, अब आप सोचिए जरा सा कि क्या 27 दिन के बाद अभी भी 31 दिन का भोजन बचेगा? नहीं सर, अब तो 31 दिन का भोजन नहीं बचेगा, शुरू में 31 दिन का भोजन था, 27 दिन के बाद 31 − 27 यानी कि केवल 4 दिन का भोजन बचेगा। भोजन इतने पर्सन के लिए 31 दिन का था, यानी 200 × 31 भोजन का कुल मात्रा था, लेकिन 27 दिन भोजन कर लिया है सब, तो अब मात्र 200 व्यक्ति के लिए 4 दिन का भोजन बचेगा, तो भोजन तो यही बचा हुआ है। अब आगे बोला है कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया, 120 सैनिक चला गया, तो 200 में से 120 व्यक्ति अगर चला जाएगा, तो अब जो है व्यक्ति कितना बचेगा? अब व्यक्ति मात्र 80 बचेगा। अब व्यक्ति कितना बचेगा? 80। 200 में से 120 व्यक्ति चला गया, तो अब व्यक्ति तो 80 ही बचेगा ना। बोला है कि शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार, अब इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, कितने और अधिक दिन चलेगा? कितने और अधिक दिन चलेगा, यानी भोजन जो है वह कितने दिन का बचा हुआ था? 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था, 27 दिन के बाद 4 दिन का, तो भोजन अभी हमारे पास मात्र 4 दिन का है। भोजन हमारे पास 200 व्यक्ति के लिए कितना दिन का था? 4 दिन का। ठीक है,
लेकिन जब 120 व्यक्ति किला छोड़ देगा, यानी इतना भोजन जब 80 व्यक्ति करेगा, तब भोजन देखिए कितना दिन तक चलेगा। तो सोल्व करिए, 4 से काटिएगा 20, 100 के 80, 20 से काटिएगा 20 दहाई 200, यानी भोजन कुल मिला के ना 10 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। अब 10 दिन आप अपना आंसर मत चुन लीजिएगा, ठीक है, यह अपना आंसर मत चुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बोला है कितने और अधिक दिन चलेगा। तो जो भोजन बचा हुआ था कितने दिन का बचा हुआ था? 4 दिनों का। लेकिन जब 120 व्यक्ति किला छोड़ देगा तो अब यही भोजन कितना दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। जो भोजन को मात्र 4 दिन चलना चाहिए था, भोजन तो 4 दिन का ही बचा हुआ था, वह भोजन अब चला कितना दिन? 10 दिन। हमें यही बताना है कि कितने अधिक दिन चला। तो 4 दिन चलने वाला भोजन 10 दिन चला है, यानी 6 दिन अधिक भोजन चला है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर की चतुराई को आपको समझते रहना है। छोटे छोटे जगहों पे भाषा में परिवर्तन करके आपको फंसाया जाता है। देखिए ऑप्शन में 10 भी मौजूद है, अगर आप 10 अपना आंसर चुनते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पूछा गया है कि बाकी आहार कितना दिन और अधिक चलेगा। तो आहार आपका 4 दिन का बचा हुआ है और चल रहा है 10 दिन, तो कितना दिन अधिक चल रहा है? मात्र 6 दिन, ठीक है। तो हमारा आंसर 6 दिन हो जाएगा। अब चलिए, एक टाइप तो आपका भोजन वाला में यह था जिसको अभी आपने कंप्लीट किया। अब यह दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या होगा कि आरंभ में कितने व्यक्ति है, कितने व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध है, यह नहीं देगा, ठीक है। या फिर कितने व्यक्ति आया है या कितने व्यक्ति गया है, इस चीज़ को नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। अच्छा, 50 दिन का भोजन सामग्री है, इससे यह तो पता नहीं चलेगा कि कितने ना कितना भोजन सामग्री है। हमें यह तो जानना पड़ेगा ना कि कितने व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री है। तो नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में व्यक्तियों का संख्या n और इस n पर्सन के लिए 50 दिन का भोजन है, यानी भोजन का कुल मात्रा n गुने 50 है, ठीक है। आगे बोला है यदि 10 दिनों के बाद, अच्छा सोचो आप जरा सा, n व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन है, तो क्या 10 दिन के पश्चात भी 50 दिन का भोजन बचेगा? नहीं सर, 10 दिन के पश्चात तो 40 दिन का भोजन बचेगा। आरंभ में पर्सन का संख्या हम n मान लिए, n व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन के बाद भोजन मात्र 40 दिन का बचेगा, यानी भोजन अब इतना बचा हुआ है। आगे देखिए, 500 व्यक्ति और आ गए, तो पहले से कितना व्यक्ति था? n व्यक्ति, इसके साथ 500 व्यक्ति और आ गया, यानी अब पर्सन कितना हो गया? n प्लस 500। पहले से मात्र n व्यक्ति था, लेकिन 500 व्यक्ति और आ गया है, तो अब पर्सन हो गया n प्लस 500, और शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। यानी कि इतने पर्सन के लिए भोजन कितना दिन तक चला? 35 दिनों तक चला। तो भोजन का कुल मात्रा कैसे निकालते हैं? व्यक्तियों की संख्या गुना डे, इससे भोजन की कुल मात्रा, यहाँ भी भोजन की कुल मात्रा, दोनों भोजन की कुल मात्रा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। जो भोजन 40 दिन चलना चाहिए था, वह भोजन 35 दिन इसलिए चला है क्योंकि 500 व्यक्ति और आ गया, तो व्यक्तियों का संख्या n प्लस 500, n प्लस 500 व्यक्ति के लिए इतना भोजन मात्र 35 दिनों के लिए पर्याप्त था। तो इस तरीके से इक्वेशन बना के हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे जब हमारे पास आरंभ में पर्सन का वैल्यू न रहे। अब सोल्व करिए इसको, देखिएगा यहाँ पे ना, यह दोनों गुना में है, कटेगा आपस में, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, बाकी के वैल्यूज को गुना कर लीजिए। 8 से n में गुना करेंगे तो 8 n हो जाएगा, बराबर 7 से दोनों में गुना तो 7 n प्लस 7 पंचे 3500, इस 7 से तो दोनों में गुना होगा ना, 3500 हो जाएगा। अब देखिए 7 n इधर आके बराबर के बाईं ओर आकर के 8 n में से घटेगा तो n बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 3500। तो n का वैल्यू 3500 आया, यानी कि आरंभ में व्यक्तियों का जो संख्या था वह कितना था? 3500। यही पूछा गया है कि किले में आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 3500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, और मात्र कुछ सेकेंड का समय आपको लगेगा, हमें समझानी है इस वजह से समय लग रहा है, आपको सोल्व करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन, ठीक है। आगे देखिए, 15 दिन के बाद, अच्छा 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन, तो भोजन का कुल मात्रा क्या होगा? 1500 गुना 50 होगा, लेकिन 15 दिन के पश्चात अब भोजन बचेगा 1500 गुना 35। भोजन का कुल मात्रा 1500 गुने 50 जरूर था, लेकिन 15 दिन के पश्चात बचेगा भोजन 1500 गुने 35। अब बोला है और अधिक व्यक्ति आ गए,
अच्छा, और अधिक व्यक्ति से क्लियर तो नहीं हो रहा है कि कितना व्यक्ति, तो जब यह क्लियर ना हो कितना व्यक्ति, तब आपको इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम मान लिए कि n व्यक्ति और आ गया, यानी अब व्यक्तियों का संख्या क्या होगा, 1500 प्लस n, 15 दिन के पश्चात और व्यक्ति आ गए, तो 15 दिन के पश्चात भोजन यही बचेगा, 50 दिन का भोजन था, 35 दिन का ही भोजन बचेगा, और व्यक्ति आ गया तो हम मान लिए कि अब 1500 प्लस n व्यक्ति हो गया, n व्यक्ति आया तो 1500 प्लस n व्यक्ति हो गया, तब भोजन सामग्री 25 दिन तक चला। इतने पर्सन के लिए भोजन सामग्री कितने दिन तक चला, 25 दिन तक चला, कुल भोजन की मात्रा इतना होगा और यह भोजन इस भोजन के बराबर होगा, क्योंकि यही भोजन जो 35 दिन तक चलना था अब 25 दिन तक ही चला है, क्योंकि और व्यक्ति आ गया है। और व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पे कितना हम लोगों ने माना है, इन। तो जब क्वेश्चन में कितना व्यक्ति आरंभ में था नहीं मालूम रहे, है ना, या कितना व्यक्ति आया है यह नहीं पता हो, तो इक्वेशन बना के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करिए, अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 से काटेंगे तो 5 25 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 7 35 होगा, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 300, 300 प्लस 7 2100, 2100 बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 1500 प्लस n, 2100 बराबर 1500 प्लस n प्लस 1500 बराबर के इधर आके 2100 में से घटेगा, क्या बचेगा 600, या 600 वैल्यू किसका हो गया, n का वैल्यू हो गया। n हम लोगों ने क्या माना था, कितने और व्यक्ति आए हैं, तो 600 और व्यक्ति जो है वह किला में आया है, ठीक है, 600 और व्यक्ति जो है इस किला में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, बोला यह गया है कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास, दुर्ग सेना कहने का मतलब कि सेनाओं का समूह है, 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, n व्यक्तियों के लिए, है ना, n व्यक्तियों के सेनाओं के पास 30 दिनों तक चलने वाला खाद्य सामग्री है, इस बार मानना नहीं है, दे रखा है। आगे देखिए, 10 दिनों के बाद, अच्छा आप सोचो जरा सा कि n व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन है, तो क्या 10 दिन के बाद भी 30 दिन का भोजन बचेगा, नहीं सर, 30 दिन का भोजन है तो 10 दिन के बाद मात्र 20 दिन का भोजन बचेगा। इन पर्सन के लिए 30 दिन का भोजन जरूर है, लेकिन 10 दिन के बाद मात्र 20 दिन का भोजन बचेगा। अब बोला है कि 50 और व्यक्ति शामिल हो गए, यानी यह इन जो पर्सन था इसके साथ 50 पर्सन और आ गया, यानी पर्सन का वैल्यू कितना होगा अब, इन प्लस 50। बोला है कि यदि यह खाद्य सामग्री 16 दिन चला, यह जो खाद्य सामग्री था अब इतने पर्सन के लिए कितना दिन तक चला है, 16 दिन तक चला है, तो भोजन की कुल मात्रा पर्सन गुने डे, है ना, यहाँ भी भोजन की कुल मात्रा, दोनों भोजन की कुल मात्रा, इसलिए दोनों आपस में बराबर। और n का वैल्यू निकालना है तो किसी भी वेरिएबल का मान निकालना होगा, तो बिना इक्वेशन बनाए तो हम मान नहीं निकाल सकते हैं। अब सोल्व करिए, 4 से काटिएगा तो यह आपका 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, n से 5 में गुना करिएगा 5n हो जाएगा, बराबर 4 से दोनों में गुना करिए तो एक तो आपका 4n होगा और एक आपका 50 गुने 4 200 हो जाएगा, 4n बराबर के इधर आके 5n में से घटेगा तो केवल n बचेगा और इधर आपका बचेगा 200, तो n का वैल्यू आपका आ गया है 200। हमें इस क्वेश्चन में यही n का मान बताना था कि n का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 200 होगा। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, और इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो भोजन संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए देखा गया है, इसलिए अलग से इसको आपको कराया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।